अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अजी है और आज का जो हमारी वीडियो है ये एक टाइटल से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंस है नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट का। और आपका अगर आपने कोई फ्रिज अभी लेना है रिसेंटली तो आइदर आप नो फ्रॉस्ट लें या डी फ्रॉस्ट लें और क्या डिफरेंस है दोनों में, उसकी प्राइस और बाकी सारी चीज़ें, ये वीडियो आज इसके बारे में होने जा रही है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। देखें, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो हैं वो ओवरऑल एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसमें खाने का जो टेम्परेचर है, खाना जो है वो ओवरऑल ख़राब उस तरह से नहीं होता कि इसमें बर्फ़ नहीं जमती है। वेयर एज़ जो डी फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी लिमिटेशन ये है कि क्योंकि वो एक कन्वेक्शन की तरह काम करता है तो उसमें जो बर्फ़ जमती है उसकी वजह से खाने का जो मॉइस्चर है वो उस तरह से खाना जो फ्रेश रहता है जिस तरह से नो फ्रॉस्ट में रहता है उस तरह से डी फ्रॉस्ट में उस तरह से खाना फ्रेश यूजली नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डी फ्रॉस्ट का, तो नो फ्रॉस्ट को इसका एक बहुत बड़ा एज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक अक्सर आप जो लोग नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट यूज़ कर चुके हैं उनको पता होगा कि जो डी फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें बर्फ़ की एक तह बन जाती है। जब भी आप कोई ड्रॉअर ओपन करते हैं, इस तरह से कोई चीज़ होती है जैसे वर्टिकल फ्रीजर्स में ड्रॉअर्स होते हैं, तो वो जब आप ओपन करते हैं तो वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नो फ्रॉस्ट में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से उसका ओपन करें, आराम से क्लोज़ कर दें। कम्फर्ट और कन्वीनियंस नो फ्रॉस्ट में बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कन्वीनियंस का एक, और उस वो ये है कि नो फ्रॉस्ट में आपको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे अक्सर ये होता है कि बर्फ़ की लेयर या तय बन जाती है नो डिफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स में, लेकिन नो फ्रॉस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो फ्रॉस्ट में आप आराम से इसको यूज़ करें, किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसको 3 महीने के बाद साफ़ करना है, 6 महीने के बाद साफ़ करना है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम यूजली नहीं होता नो फ्रॉस्ट के अंदर। वेयर एज डी फ्रॉस्ट के अंदर आपको ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है जब भी आप कोई फ्रिज परचेज़ करेंगे, इसमें जो मेन कंसर्न है वो अल्टीमेटली प्राइस पे ही आ जाता है कि आपका बजट क्या है। तो उसमें अगर हम देखें तो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे सामने जैसे हम हायर का, मेरे सामने राइट पे ये एक साइड बाय साइड लगा हुआ है, ये मिनिमम अगर आप हायर का सबसे सस्ता नो फ्रॉस्ट अभी पाकिस्तान में वो हायर का ही आ रहा है, और वो मिनिमम भी अब आपको 165-170 का पड़ेगा जो कि इनका छोटा साइज़ है। अगर हम इस पे जाएंगे और स्पेशली अगर हम ग्लास पे जाएंगे वो तो तकरीबन 2 लाख के करीब करीब फॉल करता है। सिमिलरली अगर हम डिफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे हम डॉलिंस की एग्जांपल ले सकते हैं और पेल की एग्जांपल ले सकते हैं। अब डॉलिंस का जो सबसे बड़ा साइज़ है वो है 91999, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट अब लाख रुपए के करीब चला गया है। तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट मिले तो मिले, उसके अलावा मोर और लेस प्राइस सिमिलर लेगी। सिमिलरली अगर हम पेल का सबसे बड़ा टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लें, जो इन्वर्टर भी है, ग्लास डोर भी है, वो भी अराउंड 90 के करीब सारे अब चले गए। तो अगर हम प्राइस का डिफरेंस देखें तो 2 गुना महंगा है नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, और इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है स्पेशली जब आप किसी इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर पे चले जाते हैं, लेट्स से सैमसंग या शार्प या एलजी या हिटाची व्हाटसोएवर, तो वो आपको प्राइस का फ़र्क और ज़्यादा पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कन्वीनियंस के, इस कंफर्ट के, इस क्वालिटी के, इस टेक्नोलॉजी के पैसे देना चाहते हैं या नहीं चाहते। अब जो लोग नो फ्रॉस्ट यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए ट्रांजिशन करना डी फ्रॉस्ट पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज वो आपको जैसे मैंने कहा वो एक कन्वीनियंस फैक्टर है, वो एक बिल्कुल एक लाइफस्टाइल चेंज आपका आ जाएगा स्पेशली जब आप नो फ्रॉस्ट से डी फ्रॉस्ट पे जाएंगे, क्योंकि फिर आपको साफ़ करना और बहुत सारी चीज़ें, वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है स्पेशली अगर आप खुद ही काम करते हैं और आपके घर पे कोई सर्वर नहीं है, तो डी फ्रॉस्ट एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इशू क्रिएट कर सकता है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि डी फ्रॉस्ट के अंदर उस तरह से खाने की जो फ्रेशनेस है वो नहीं रहती जिस तरह से एक नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर रहती है। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो सकता है नो फ्रॉस्ट में और डी फ्रॉस्ट में। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि जब आप आइसक्रीम, फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम आप लें और उसको आप डी फ्रॉस्ट फ्रीज़र के अंदर रख दें, ठीक है, उसमें अक्सर आपने नोट किया होगा कि उसका टेस्ट
बदल जाएगा क्योंकि उस पर बर्फ़ की एक पूरी लेयर बैठ जाती है और वो उस तरह से आपको वो क्रीमी और उसका जो जो एक अरोमा है आइसक्रीम का वो कभी भी नहीं आएगा जो एक नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर आएगा। उसका बिल्कुल टेस्ट और जो उसकी फ्रेशनेस जिस तरह आप एक मार्केट से आके लेते हैं वही मिलेगा, लेकिन डीप फ्रॉस्ट के अंदर इस तरह से नहीं होगा। एंड और ये सिर्फ आइसक्रीम के अंदर नहीं, आप कोई खाना भी रखेंगे तो उसकी फ्रेशनेस फ्रूट्स की स्पेशली, जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स में ये जो ह्यूमिडिटी बॉक्स है ये इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, स्पेशली जब आप फ्रूट्स या वो चीज़ें रखेंगे तो जो मॉइस्चर है जो फ्रेशनेस है फूड्स की वो मेंटेन रहेगी। वेरैज डीप फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स में इस तरह का आपको ये फैसिलिटी या ये कंफर्ट ये कन्वीनियंस आपको नहीं मिलेगा। अब ये जैसे डीप फ्रॉस्ट है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये डॉलिंस का सबसे बड़ा साइज़ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे सारी ये बर्फ़ की लेयर एक बैठ जाएगी और विद पैसेज ऑफ टाइम ये आप लोगों को क्लियर करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा एक इशू है। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें जो आपको अल्टीमेटली मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है जो कि नो फ्रॉस्ट में आपको नहीं करनी पड़ती, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिफ्रॉस्ट का। प्राइस का ज़ाहिर है, प्राइस अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ज़ाहिर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, और आपने आइदर अगर आपका बजट है तो जाहिर सी बात है नो फ्रॉस्ट विल बी अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू अ डीप फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। दूसरा एक बहुत कॉमन कंसर्न लोगों का है वो है कूलिंग रिटेंशन के, जी जो है ना हम पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ पे जो है बिजली जो है लाइट बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो उस हवाले से जो है ना मेरे ख्याल है हमें तो डीप फ्रॉस्ट ही लेना चाहिए क्योंकि उसमें बर्फ़ ज़्यादा देर तक जमी रहती है। तो अब मेरे ख्याल है जी ये अब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, अब जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनका कूलिंग रिटेंशन बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ डीप फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, और जिस तरह से वो डिज़ाइन हो रहे हैं आप आराम से एक नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का जो उसकी जो कूलिंग है वो आराम से 3 से 4 घंटे तो आराम से जो है ना वो गुजार लेगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल ये अब इस पर बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि नो फ्रॉस्ट में और डीप फ्रॉस्ट की जो कूलिंग रिटेंशन है वो काफ़ी सिमिलर है। दूसरा हम आ जाते हैं उसकी बिजली की जो एनर्जी एफिशिएंसी है कि कौन सा बेहतर है, किसकी बिजली कौन सी बिजली कौन कम लेता है कौन ज़्यादा लेता है, तो उस पर मैं थोड़ा सी बात करना चाहूँगा। पहले टाइम में जो डीप फ्रॉस्ट था उसका जो बिजली की कंजम्पशन थी वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, अब ज़्यादातर नो फ्रॉस्ट फ्रिजेस जो आ रहे हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादातर इन्वर्टर कंप्रेसर पे बने हुए हैं, उसमें कंप्रेसर बिल्ट इन है, तो 99% जो आप रेफ्रिजरेटर नो फ्रॉस्ट के लेंगे वो ऑलरेडी उसमें कंप्रेसर इन्वर्टर का लगा है, तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरैज नो जो डीप फ्रॉस्ट जब आप लेते हैं तो डीप फ्रॉस्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्वर्टर कंप्रेसर भी ले सकते हैं, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर भी ले सकते हैं। नॉन इन्वर्टर लेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, इन्वर्टर पे जाएंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी वाइज वो थोड़े से आपको एनुअल आपकी जो सेविंग है उसमें थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिलेगा। तो रही बात एनर्जी एफिशिएंसी की, तो दोनों एट पार हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस या बहुत ज़्यादा बिजली की बचत इन टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स कोई खातिर खा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों आप दोनों काफ़ी हद तक इक्वल हैं। तो ये बात हो गई एनर्जी एफिशिएंसी की। एक और टॉपिक पे पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ वो है वारंटी का। वारंटी नो फ्रॉस्ट की डीप फ्रॉस्ट की काफ़ी हद तक सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स की क्योंकि डिमांड पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, या कह सकते हैं कि उसकी सेल उस तरह से नहीं है जितनी डीप फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स की है, और उसका प्राइम रीज़न है वो जाहिर सी बात है प्राइस है। नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पाकिस्तान में अब स्पेशली अवेलेबल हैं, हायर वाज द फर्स्ट वन, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, तो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स की प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी आपको कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सैमसंग हिटाची या शार्प। तो ओवरऑल वारंटी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ जाता है मॉडल्स का और ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी का। पाकिस्तान में सिवाय सैमसंग के और कोई ऐसा ब्रांड अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में जो प्रॉपर तरीके से जिसका प्रिंसिपल एग्जिस्ट करे पाकिस्तान में, और जाहिर सी बात है अगर
कंपनी ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आप वारंटी कैसे क्लेम करेंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट, कोई नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर स्पेशली लें, शार्प का, हिटाची का, एलजी का, तो इनको प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। उसका रीज़न यही है कि उनकी वारंटी पाकिस्तान में नहीं है, कोई दुकानदार या कोई डीलर ख़ुद से उसने माल बाहर से इंपोर्ट किया, या तो वो अपनी दुकान की ही वारंटी आपको देगा, ऑफिशियल वारंटी नहीं है। तो इस वजह से नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स लेने से पहले इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल करें कि वारंटी आपको प्रॉपर मिले, क्योंकि अगर उसका सर्किट या किसी किस्म का भी उसमें प्रॉब्लम आया तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि ना ही यहाँ पे सर्किट अवेलेबल होता है और ना ही कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है। दुकानदार देने से पहले आपको ज़रूर अपना मंजन सारा बेचेगा, लेकिन वारंटी का प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इम्पोर्टेड अगर स्पेशली अगर आप नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसकी ऑफिशियल वारंटी, जिस भी ब्रांड का आप ले रहे हैं उसकी ऑफिशियल वारंटी अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। नो फ्रॉस्ट में जो लोकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सिवाय हायर के अभी कोई मार्केट लीडर नहीं है, ना ही पेल बना रहे हैं, ना ओरिएंट बना रहे हैं, कोई भी नहीं बना रहा। डॉलिंस के कुछ साइड बाय साइड अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो ज़्यादातर लोग नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो हैं वो हायर का ही प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्राइस और जो है उनकी वारंटी है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन अ नो फ्रॉस्ट एंड अ डीप फ्रॉस्ट। उम्मीद है इससे आपके कुछ जो सवाल आते हैं उनका मैंने जवाब दिया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।